ओम शांति। 6/8/2024 साकार बाबा के मधुर धारणा युक्त महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संबत शुरू करना है। आंसर क्वेश्चन है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? आंसर, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। और उनको कोर्स कराना है, पढ़ाना है, तो ऐसे टीचर बनना है जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर भी बच्चे, टीचर सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है, तुम सच की नैया पर बैठे हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है, हिले डुलेगी मगर डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों के साथ रू रिहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की यह नई नॉलेज अथवा पढ़ाई है, यह तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते भी हैं तो टीचर भी हो गया। यह भी तुम जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चिंत होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात है बाप की। बाप हमको ये शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई द्वारा तो देंगे नहीं, गाया हुआ भी है। भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है कलयुग की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएगा, क्योंकि सत्युग में और कोई धर्म था ही नहीं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब तो अनेक धर्म हैं, अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी। स्थापना जरूर नई दुनिया की ही होगी, पुरानी की तो नहीं होगी ना। बच्चों को यह निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं। तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। ये विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, ये आसुरी गुण हैं। देवताओं में लोभ होगा क्या? हाँ, पांच विकार वहाँ होते नहीं। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल पाता है।
तो बच्चों से अब कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। यह कोई समझते नहीं हैं, ना कल्प की आयु का ही किसी को पता है। वास्तव में निर विक्रमाजीत तो होते हैं देवताएं, 5,000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के। आधा है विक्रम का, वह लोग भल कहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत एवं एक वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रमी संवत शुरू हो जाता है। अभी विक्रमी संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। ये सब तुम बच्चे जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाया? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई ये थोड़ी है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, यह भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर, वह है विचित्र। तो विचित्र को, निराकार को जरूर शरीर का लोन लेना पड़े ना, तो लोन लेता है प्रजापिता ब्रह्मा का। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती हैं। परम धाम में जहाँ से शिव बाबा आते हैं वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। वह है ही आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, ये समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते हैं बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, नहीं। पढ़ाई पूरी हो जाती है, तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलते हैं, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, यह भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु हैं, वैसे तुम भी टीचर हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। वो कोई सतगुरु नहीं है, वो गुरु के बच्चे गुरु हैं। सत्य माना सच, सच खंड भी भारत को ही कहा जाता था, ये झूठ खंड है। सच खंड बाबा ही स्थापन करते हैं, वह है सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। तो बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे, उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सदगति नहीं होती, नीचे ही उतरते जाते हैं। भल कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए, अच्छा भक्ति का फल भगवान क्या करके देंगे? जरूर सदगति देंगे कहते हैं, परंतु कब कैसे देंगे ये किसी को भी पता नहीं है। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे ये तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई। रावण को कब से जलाना शुरू किया? तो कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इनों का ज्ञान तो कोई नया है, जिन्होंने कल्प पहले समझा है वो झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का तो जन्म है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। तो बाप समझाते हैं मेरा जन्म
दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्यों के सदस्य जन्म नहीं मिलता, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। ये नॉलेज शिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। यह उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पार्ट बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, ये ज्ञान उड़ गया है। यह तो ऑर्गन्स है ना, मैं आत्मा हूँ, चाहे इनमें कर्म कराऊँ चाहे ना कराऊँ। निराकारी दुनिया में तो शरीर सहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो, वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहीं ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए ना, ये तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप को भी भूल जाते हैं, जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं, देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। ये तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बताया है, विराट चक्र है ना, वह तो सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय आदि आदि, लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। तो बाप आकर के हमको सबकी सबको करेक्ट करते हैं, तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह रॉन्ग, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुखी दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी हैं। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज्य है राइटियस, और यह है कलयुग, वह है सत्ययुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपनी ही नॉलेज दी है, रचना की भी समझानी दी है। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते हैं जो पढ़ करके औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक ही शिव बाबा हैं, वही ऊँचते ऊँच बाप हैं, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वो बहुत साहूकार, वह कम साहूकार, उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें साहूकार को महाराजा का लकब मिलता है, कम साहूकार को प्रजा का। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। धनी धोरी कोई है नहीं, राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गई। बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है, लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो, आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं, कोई से पूछो यह कब राज्य करते थे तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी हैं निवृत्ति मार्ग वाले, और तुम हो पवित्र ग्रस्त आश्रम वाले। फिर अपवित्र ग्रस्त आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं। निवृत्ति मार्ग वालों को कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला न सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी। जंगल में भी उन्हों को भोजन
पहुंचाते थे, अभी वो ताकत ही नहीं रही। जैसे तुम्हारे में भी वहाँ राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ हैं? हो तो वही ना, अभी वह ताकत नहीं रही। भारतवासियों का असल जो धर्म था वह अभी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ, बाकी जो बचते हैं वह विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुखकर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तो तब ही बाप आकर के सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है, सदा याद रहे सत की नैया हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। वरदान, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मभाव साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते भी निमित्त मात्र, होते हुए भी निमित्त मात्र अनाशक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी, मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योगी की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन, स्वयं संतुष्ट रहे सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रहे सबको संतुष्ट करना ही संतोष मणि बनना है। ये अव्यक्त इशारा, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य के सदा सन्मुख रहते हैं अर्थात सच्ची प्रीत बुद्धि है, तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव करेंगे। ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चों की सूरत पर अंतर्मुक्ता की झलक और साथ साथ संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक रहती है। ओम शांति।